स्वागत है आपका सुनो समाचार में। बाजारों में दो नंबर यानी डुप्लीकेट सामान तो बहुत सारे मिलते हैं जिसे आम आदमी पहचान भी नहीं पाता। आजकल एक स्टिंग नाम के पेय पदार्थ के दो नंबर यानी डुप्लीकेट बोतल बाजारों में बेचे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे जनता बाजार, बनपुरा बाजार तथा अन्य बाजार अछूता नहीं है। ऐसे तो ओरिजिनल स्टिंग पीने से होने वाली गुण और अवगुण के बारे में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। अब सोच लीजिए, जब डुप्लीकेट स्टिंग बाजारों में बेचे जाने लगे हैं तो स्टिंग बनाने वाली कंपनी घाटे में तो जाएगी ही, स्टिंग पीने वालों के लिए यह डुप्लीकेट स्टिंग और कितना घातक होगा, इस पर विचार करने तथा इससे बचने की जरूरत है। आइए डुप्लीकेट स्टिंग के बारे में वायरल वीडियो से समझते हैं। क्षेत्रीय खबरों से अपडेट रहने के लिए सुनो समाचार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इस स्टिंग को देखकर भला कौन बताएगा कि इसमें कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। लेकिन जनता बाजार मार्केट में कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो स्टिंग की सेल बढ़ जाने के कारण डुप्लीकेट स्टिंग ओरिजिनल स्टिंग के साथ साथ बेच रहे हैं। आपको इसकी पैकिंग देखकर पता नहीं लग सकता है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट, लेकिन काफ़ी बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट का कॉम्बिनेशन करके बेचा जा रहा है। क्या आप अभी इन तीन पैकेटों को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ओरिजिनल और कौन सा डुप्लीकेट है? इतना तेज़ दिमाग तो आपका काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये और ये डुप्लीकेट है और ये ओरिजिनल है। मैं आज तीन स्टिंग की बोतलें खरीद कर लाया था। दो स्टिंग की बोतलों से जब मैंने पिया तो बिल्कुल शरबत पानी के जैसा लग रहा था, और तीसरा ये स्टिंग है जो बुलबुले छोड़ रहा है। देखिए, अभी भी आपको बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे जो कि ओरिजिनल है, और इन दोनों को देखिए, हिलाने दुलाने के बाद भी इसमें से कहीं कुछ नहीं निकल रहा है, और देखिए इसमें से बुलबुले आ रहा है सबसे साइड वाला से। ये देखिए, बुलबुले आने का मतलब कि ये ओरिजिनल है। और भी कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है। एक बार मैं आपको पीछे के साइड दिखाना चाहूँगा, ध्यान से देखिए इसको, देखिए लिखावट इसका पीछे का, ये देखिए कितने गहरे रंगों में लिखावट है। इसका लिखावट देखिए कितना हल्का रंग में, इसका देखिए कितना हल्का रंग में। इस पीछे की लिखावट को देखकर आप कुछ हद तक पता लगा सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल कौन सा डुप्लीकेट है। जब तीन स्टिंग एक साथ देखेंगे, दो का रंग देखिए हल्के रंगों में और एक ज़्यादा गहरे रंगों में, और आगे का देख के पता लगाना मुश्किल है। आम किसी व्यक्ति को तो पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। देखिए आगे का पोर्शन बिल्कुल सेम बना हुआ है, पता नहीं चलेगा, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जैसे ही हम इसको पीछे करते हैं, ये कहीं भी रहेगा, ये तीनों इधर उधर मिल जाए फिर भी ये पता चल जाएगा। देखिए अब इसको बीच में कर दिए, फिर से ये गाढ़ा रंग में आ गया। ये देखिए गहरे रंग वाला ओरिजिनल है, बुलबुला भी छोड़ रहा है। ये देखिए कोई बुलबुला इसमें नहीं है, नॉर्मल एकदम बिल्कुल ऐसे। और इसको अगर हिला देते हैं तो पूरा एकदम से, ये देखिए झाग बना लिया, देखिए झाग उबलने लगा पूरा एकदम से। देखिए ये देखिए कैसे झाग उबल रहा है, इसको देखिए कर रहे हैं तो कोई झाग नहीं उबलेगा, एकदम से नॉर्मल एकदम शांत। ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक झाग झाग हो गया है, ये देखिए कुछ नहीं झाग होगा, बिल्कुल नॉर्मल। पैकेजिंग सेम, सब कुछ सेम। अभी देखिए, अभी फिर से आप बता सकते हैं कि ये वाला ओरिजिनल है। ये देखिए स्वाद आप लीजिए तो इसका स्वाद एकदम से कड़क लगेगा जैसा लगता है, ये दोनों बिल्कुल पानी के जैसा। और ये हो रहा है जनता बाज़ार के बहुत सारे दुकानों पे, तो जब भी आप ख़रीदने जाएं एक बार ध्यान से इस पैकेजिंग को देखें और ओरिजिनल चीज़ खरीदें। बाकी जनता बाज़ार थाना इस पर क्या कार्रवाई करती है या प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। स्टिंग की बोतलें तीन हैं, इसमें से आप देख सकते हैं किस तरीके से डुप्लीकेट और ओरिजिनल का खेल खेला जा रहा है, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश। स्टिंग की बोतलें